रुख करते हैं अगली खबर का। पिछले कई दिनों से जिस बात की चर्चा हो रही थी, उस बात को आखिरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अंजाम दे ही दिया। हम बात कर रहे हैं स्वाभिमान पार्टी के नेता नारायण राणे के फार्म हाउस की। मुंबई गोवा हाईवे के रुंदीकरण में बाधा बन रही फार्म हाउस की कंपाउंड वॉल को आखिरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सोमवार को जमीन दोस्त किया। मुंबई गोवा हाईवे की चौड़ाई बढ़ाकर उसे चार लेन में बदलने के लिए हाईवे से सटी जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संपादित की गई। हालांकि उसके लिए आड़े आने वाले घर तक तोड़े गए, परंतु स्वाभिमान पार्टी के नेता नारायण राणे की जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिग्रहित नहीं की, जिसके चलते आश्चर्य भी व्यक्त हो रहा था। वहीं स्थानीय ग्रामवासियों में गुस्से की लहर भी थी, क्योंकि तारा गांव से होकर गुजरने वाले इस हाईवे के लिए गांव वालों के घर भी तोड़े गए थे, मगर गांव से सटे नीलेश फार्म को अभयदान दिया गया था। हम आपको बता दें कि नीलेश फार्म नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे का फार्म हाउस है। शायद यही वजह थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग उसे तोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, मगर आखिरकार सोमवार को जिलाधिकारी विजय सूर्यवंशी के आदेश अनुसार नारायण राणे के इस फार्म हाउस की कंपाउंड वॉल पर बुलडोजर चलाया गया। इस घटना से एक बात सामने आ जाती है कि चाहे नेता कितना भी कद्दावर क्यों न हो, एक न एक दिन उसे कानून के आगे झुकना ही पड़ता है।